हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे सी यू ई टी प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज के टेस्ट थर्ड को। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसका आपको हमें कमेंट करके जवाब देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको इसका जवाब करना है 10 सेकेंड के अंदर। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? वेयर डिड दी ब्लैक होल ट्रेजडी हैपन? तो ब्लैक होल जो त्रासदी घटी थी वो कहाँ पे घटित हुई थी? तो वो हुई थी कलकत्ता में। इसका ध्यान रखना है कि कहाँ पे? कलकत्ता में। अब हुआ क्या केस में, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो 20 जून 1756 की बात है कि इस रात को जो है, मतलब 20 जून की रात को काल कोठरी, मतलब एक जो अंधेरे कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया गया। 146 लोगों को बंद कर दिया गया। अब क्या किया गया, 2 दिन बाद खोला गया, यानी 23 जून को खोला गया। 23 जून 1756 को हुआ क्या कि इसमें से केवल 23 लोग जिंदा बचे थे, यानी 123 लोग की डेथ हो गई थी। ठीक है, केवल 23 लोग ही इसमें से जिंदा बचे थे, बाकी जो है इन 2 दिनों के अंदर जो है मैक्सिमम लोगों की डेथ हो गई थी, यानी 123 लोगों की डेथ हो गई थी, बचे थे 23 लोग। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर घटित हुई थी, कलकत्ता में। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। आगा खां इसके अध्यक्ष बने थे, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। ध्यान रखना है 30 सितंबर 1906 में इसकी स्थापना की गई थी मुस्लिम लीग के, किसके किसके द्वारा? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज ट्रसेस ऑफ द फॉलोइंग प्लाविंग फील्ड, आपके जूते हुए हैं, ठीक है, प्लाविंग फील्ड्स हैव बीन फाउंड। तो यहाँ पे जो खेत जोते गए थे उनकी बात की जा रही है, उसके साक्ष्य जो मिले हैं, उसके प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। तो ध्यान रखना है इसको जो है कांचों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से चूड़ियों के अवशेष हमें मिले हुए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स उसके मिले हुए हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लोथल जो आपका क्या था, ये जो है एक आपका बंदरगाह था, और मोहनजोदड़ो से जो है बाथटब आपका मिला है, स्नानागार आपका मिला है, अन्नागार यानी ग्रेन स्टोरेज आपका मिला है। तो सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। लैटेराइट मिट्टी मिलती है, लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन, तो लैटेराइट सॉइल जो है सबसे ज़्यादा तो पाई जाती है केरला में, वैसे भी जो तट पे रहेंगे उनमें तो पाई ही जाएगी लगभग, लेकिन सबसे ज़्यादा केरला में पाई जाती है। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। तो लैटेराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जा रही है महाराष्ट्र में, ना तो उत्तर प्रदेश, ना तो हिमाचल, ना तो पंजाब में। हिमाचल प्रदेश में आपका कुछ स्थान जो पहाड़ी हो जाएगी, बाकी उत्तर प्रदेश और पंजाब तो जलोढ़ मिट्टी वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का भी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड बाई रिवर? तो यहाँ पे देखिए लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट, ये सब जो है चट्टानों के द्वारा जो है वहाँ पे निर्मित होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन आपका जो यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा होती है वो किसके द्वारा निर्मित होती है? तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, एलुवियल सॉइल की बात की जा रही है, जो आपका रिवर्स के द्वारा इरोशन करके मिट्टियों को लाया जाता है, सॉइल्स को लाया जाता है, उसकी बात की जा रही है। ये लगभग जो है 43% जो है एरिया पर इंडिया के पाई जाती है, एलुवियल सॉइल की बात की जा रही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। इनमें से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? विच ऑफ दीज रिजर्वायर्स इज बोल्ट ऑन दी चंबल रिवर? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो कौन सा, देखिए नागार्जुन तो कृष्णा नदी पे बना है, ये तो हमारा होगा नहीं। राणा प्रताप सागर, यस भाई, यही तो चंबल नदी पे आपका है, यानी आपका ये सही है, ये आपका राजस्थान में पड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिहंद जो है रिहंद नदी पर है, बिंद आपका नर्मदा पर चला जाएगा।
निम्न में से कौन स्थल रुद्र देश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री? तो यहाँ पे देखिए लैंड लॉक जो आपका आर्मेनिया भी है, बेलारूस भी है, लग्जमबर्ग, लेकिन आपका कोलंबिया आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका लैंड लॉक नहीं है। तो ठीक है, ध्यान करिए कि साउथ एशिया का पोर्शन में आपका आता है कौन, यहाँ पे कोलंबिया की बात की जा रही है। वियतनाम के आसपास आपका वहीं पे देखेंगे तो आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, तो आपको दिख जाएगा आराम से। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? वेरी जी कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, तो नेशनल पार्क है कौन सा, कंचनजंगा, इसकी बात की जा रही है। तो ये आपका कहाँ पे, सिक्किम में। कंचनजंगा एक पर्वत भी है, चोटी भी आपकी है, तो ये कहाँ पे है, सिक्किम में ही पड़ेगी। इसकी ऊंचाई जो है 86 मीटर है, ध्यान रखना है। ये भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, भारत में अवस्थित। लेकिन अगर केवल कहे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो 86-11 मीटर की ऊंचाई वाली कौन हो जाएगी, आपका K2 गाडविन हो जाएगी, ठीक है, K2 या गाडविन ऑस्टिन। आपका कहाँ पे है, इस समय लद्दाख में पड़ेगी। केवल अगर कहे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आपको K2 गाडविन जवाब करना, या तो दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो ध्यान रखिए उसमें स्थित या अवस्थित जरूर लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे स्थित है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो 85-86 मीटर कंचनजंगा है, जबकि ये जो है POK वाले क्षेत्र में आती है, कौन सी, K2 गाडविन की बात की जा रही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द एज लिमिट फॉर वोटिंग वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 ईयर्स टू 80 ईयर्स, मतलब 21 वर्ष से उसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस अमेंडमेंट में इसको यहाँ पे चेंज किया गया था? अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो 61वें संविधान संशोधन में आपका 1969 में किया गया था। क्वेश्चन का आप जवाब करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसका जवाब करेंगे सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मानव दुर्भार और बालदाश्रम, ये भी आपका आता है। कारखानों बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी आपका आता है। और उद्योग के प्रदान श्रमिकों की, नहीं ये आपका इसमें नहीं आता, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका आता है नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व आपका आर्टिकल 43 में आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लोक नियोजन की विषय, ये भी आपका इसी में आता है, ठीक है, किसमें, मूल अधिकार में, फंडामेंटल आपके जो राइट्स हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? विच वन ऑफ द ओशियंस करंट इज नॉट अ कोल्ड ओशियन करंट? तो आपका यहाँ पे स्ट्रीम लिखा है, तो उससे परेशान होना, ठीक है, ये आपका करंट यहाँ पे रहना चाहिए था। तो कनारी की धारा कैसी धारा है? अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो कनारी कैसी हो जाएगी, तो ये हमारी शीत में आती है, ठीक है। कैलिफोर्निया भी आपको उसी में आएगी, शीत में आएगी। वेंगवेला की भी शीत की आपकी यानी कोल्ड है, जबकि अगुलहास की कैसी होती है, तो ये यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये आपका जो है साउथ अफ्रीका के जो आपका यहाँ पे निचला पोर्शन है, एकदम जो साउथ अफ्रीका का जो है आपका ईस्टर्न पोर्शन, वहाँ पर जो है बहती है। और एक ऐसी है हॉट करंट आपकी आती है, ठीक है। तो कैसे आप पहचाने कौन सी हॉट करंट होगी, कैसे, क्या, देखिए ऐसे आपका जो है बीच से इक्वेटर गई है, तो जो भी आपके यहाँ पे करंट इक्वेटर से आपका पोल की तरफ जाएंगी, जो भी इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी वो हॉट करंट होंगी। और जो भी आपके यहाँ पे करंट है इधर पोल से जो है पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगी, यानी इधर से, क्योंकि देखिए पोल पे जो है आपके क्या पड़ी है, बर्फ़ पड़ी है, तो इधर आपका ठंडा है, और इक्वेटर पे आप देखते हैं हमेशा गर्मी होती है। तो इस प्रकार से आप दिमाग ला लीजिए कि जो इधर से बढ़ेगी वो आपकी ठंडी होगी, जो इधर से बढ़ेगी यानी पोल से दोनों साइड वो आपकी ठंडी होगी, लेकिन जो इक्वेटर से बढ़ेगी वो क्या होगी, गर्म होगी। तो बस ऐसे ही इनका डिसाइड किया जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग इसका जवाब करेंगे इसके सही उत्तर को। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से संबंधित अनुच्छेद है, आर्टिकल रिलेटेड टू रिजर्व सीट्स फॉर दिस शेड्यूल कॉस्ट इन द लोकसभा। 47 आपकी सीटें यहाँ पे जो है रिजर्वड है, लेकिन किस आर्टिकल में आपका कहा गया है, तो आपका 330 में कहा गया है, आर्टिकल आपका 330 हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में कहा गया, ध्यान रखना आपका।
अनुच्छेद 108 कहता है कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उसकी बात की। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 343 की अगर आप बात करेंगे तो संघ की जो राजभाषा है उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे राजभाषा आपकी हिंदी है, ध्यान रखना राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है। अनुच्छेद 340 जो है किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। इको मार्क कौन से भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? विच इंडियन प्रोडक्ट्स आर गिवन इको मार्क। इको मार्क की बात कर रहा है तो इको मार्क आपका दिया जाता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो आपका यहाँ पे पर्यावरण के अनुकूल जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे जो भी चीज़ें होंगी उनके लिए आपका दिया जाता है कि इसको इको मार्क को दिया जाता है। इको मार्क जो है जैसे कि इग मार्क आपका होता है शुद्धता के लिए जाता है, होल मार्क आपके जैसे कि जो आभूषण होते हैं उसके लिए होल मार्क वहाँ पर शुद्धता के लिए दिया जाता है, वैसे जो है आपका, ठीक है। खाद्य जो फूड होते हैं तो उस पर ISI मार्क का लगा होता है, तो सारी चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो हेडक्वार्टर बनाया गया है उसको कहाँ पे बनाया गया है? तो जिनेवा में बनाया गया, ध्यान रखना स्विट्जरलैंड आपका जिनेवा में बनाया गया है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, तो ये भी आपको क्या रहना चाहिए पता। अगले प्रश्न को देखेंगे आप और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट? देखिए चिपको मूवमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा की हो गई डेथ और यही जो है इससे संबंधित है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1900 जो है आपका लगभग जो है 70 से ही जो इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर रूल अदा कर रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण को जो है संरक्षित कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। आपसे सीधे पूछ भी सकता है चिपको आंदोलन किसे समझते? चिपको आंदोलन में होता क्या था कि जैसे कि जो पेड़ काटने वाले हैं उनसे जो है पेड़ों को बचाने के लिए वो पेड़ को पकड़ करके चिपक जाते थे, मतलब इस प्रकार से पेड़ है तो यहाँ पे आए और इसको जो है पेड़ को ऐसे पकड़ करके इसको जो है चिपक गए, तो ताकि पेड़ को अगला ना काट पाए, तो इसीलिए इसको कहा गया चिपको आंदोलन। मतलब जन जन में उस संदेश को फैलाया गया कि पेड़ से भैया चिपक जाओ, पेड़ कोई नहीं काटेगा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था चिपको आंदोलन, ध्यान रखेंगे उसका, ठीक है। 1970 में काफ़ी जोर पर चल रहा था। निम्नलिखित में से भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया? तो ब्लू रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है भाई, यहाँ पे जो है कौन रिलेट करता है इससे? तो मछली उत्पादन होता है, मत्स्य उत्पादन की बात करेंगे, फिश प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो हमारा किससे हो जाएगा? ब्लू रिवॉल्यूशन से रिलेट करेगा। उर्वरक की बात कर रहा है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो ये किससे होती है? तो आपका जो है भूरी क्रांति जो होती है, ठीक है। तो भूरी क्रांति से आपका जो है ब्राउन रिवॉल्यूशन आपका हो जाएगा। और तिलहन उत्पादन जो है आपका किससे? एलो से हो जाएगी। और सेरिकल्चर आपका किससे होता है? रेशम उत्पादन से होता है। तो इस सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें से सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है? आउट ऑफ दीज द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज? तो हाईएस्ट जो है पॉपुलेशन डेंसिटी वाला इसमें कौन सा आपका होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका जो अगर बात करेंगे तो 1028 होता है और उत्तर प्रदेश का 829 होता है, तो दो आपके लिए इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इन दोनों में ही आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है सबसे ज़्यादा अगर किसका है तो स्टेट में अगर आप बात करेंगे तो 1106 होता है किसका? बिहार का। अगर यूटी की बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा किसका है, तो आपका जो है यूटी में, ध्यान रखेंगे कौन है? दिल्ली है। तो इसके पास कितना है? 11,326, ठीक है। एक किमी पर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है किमी पर स्क्वायर होता है, मतलब एक किलोमीटर के दायरे में, यानी आपका जो है इस प्रकार से स्क्वायर बनाया जाएगा, एक किलोमीटर इधर, इधर इधर, तो इसके बीच में जो है इतने लोग आपके आ रहे हैं, तो आपका दिल्ली में जो है 11,326 के आसपास डाटा आपका आ जाता है। किसका? यूटी में आपका पहले नंबर पर दिल्ली आता है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज? तो यहाँ पे
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही है, तो इसको 1990 से पब्लिश किया जा रहा है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात कर रहा है। तो इसके द्वारा जो यहाँ पे प्रकाशित इसको किया जाता है कब से? 1990 से। अब इसमें जो आपके यहाँ पे 2021 की आपकी जो रिपोर्ट है ये उसके अकॉर्डिंग जो इसमें फर्स्ट रैंक आई है वो किसकी है? तो नार्वे की है। ध्यान रखना है फर्स्ट रैंक नार्वे की। सेकेंड प्लेस पे आपके दो कंट्रीज बार हैं, कौन कौन से हैं? तो एक आपका आयरलैंड, दूसरा आपका स्विट्जरलैंड। इन दोनों की जो है रैंक आपकी सेम है। तो ध्यान रखना है आयरलैंड और स्विट्जरलैंड आपके सेकेंड प्लेस पे है। और इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 131वीं रैंक है। ध्यान रखना 131वीं रैंक किसकी है? भारत की है। ये कौन सा है? रिपोर्ट आपकी 2021 की, यहाँ पे मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वे डिड बुद्धास महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। तो महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। देखिए जन्म वाला स्थान ए है, इनका जन्म यहाँ पे हुआ यानी बर्थ। बोध गया की बात करेंगे तो यहाँ पे इनको ज्ञान मिला था, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। तो ध्यान रखना है आपका कपिलवस्तु वर्तमान में पड़ता कहाँ पे? तो नेपाल में हो जाता है, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई थी 483 में 80 वर्ष की उम्र में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 483 में ही आपका प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? तो भी आपको ध्यान रखना है अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पे किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है राजगिरी में किया जाता था। दूसरा वाला कहाँ पे किया जाता था? वैशाली में किया जाएगा। 383 में किया जाएगा। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के। तीसरी वाली आपकी कहाँ पे होगी? तो तीसरी वाली अशोक के शासनकाल में 255 में होगी। कहाँ पे होगी? तो पाटलिपुत्र में होगी। चौथी कनिष्क के शासनकाल में आपकी, या तो आप जो है 78वीं AD कहेंगे या तो आप फर्स्ट सेंचुरी बोलेंगे। तो ये आपका जो है कहाँ पे हुई है? तो कुंडलवन में हुई, कनिष्क के शासनकाल में हुई है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का, तो इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा है, इसके जो पहले आपके मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ध्यान रखना कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, तो सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वीडियो चला इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम लोगों के पास, ताकि चीज़ें पहुँच सके आपके एग्जाम तक, जो है आपकी सीरीज चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहला कि आपका यहाँ पे जो है काम है कि आपको टेलीग्राम के लिए पीडीएफ पे जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।